नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ये सैमसंग गैलेक्सी A50। तो चलिए फटाफट से अनपैक कर लेते हैं इस बॉक्स को। तो पैकेजिंग आपने देख ही ली है, काफ़ी बढ़िया जो है अपर पैकेजिंग देखने में मिली है हमें। तो ये देखिए, ये बबल रैप से इसको रैप किया गया है ताकि सेफली जो है ये हमारे पास पहुँचे। तो आप अगर थंबनेल देख के ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। फिलहाल अनबॉक्स कर लेते हैं पहले इस बॉक्स को। ओके दोस्तों, तो बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है और अब बात कर लेते हैं कैसे मैंने इसको परचेज किया 5,590 रुपये में। तो दोस्तों, ओप्पो का F9 Pro जो मैंने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, उसकी वीडियो बना रखी है, आई बटन में जो है लिंक आ रहा होगा। तो काफ़ी अच्छी जो है वैल्यू उसकी मुझे मिल रही थी और इसका प्राइस था 18,490 रुपये। ये देखिए आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, तो 18,490 रुपये इसका प्राइस था और 13,000 रुपये जो है मुझे उसकी एक्सचेंज वैल्यू मिल रही थी। तो काफ़ी बढ़िया जो है मुझे डील लगी, इस वजह से मैंने इसको परचेज कर लिया। और यहाँ पर ये 4GB 64GB वाला वेरिएंट जो है आप देख रहे हैं, ये मैंने परचेज किया है और ये हैं इसके कुछ फीचर्स। और यहाँ पर लिखा गया इंडियन सिम कार्ड ओनली। तो बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इनबॉक्स कंटेंट्स। ओके दोस्तों, तो बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है और उसको रखते हैं साइड में, लेकिन उसके अंदर भी एक बॉक्स है, उसको बाद में देखेंगे हम। और ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी A50। तो फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी बढ़िया जो है ये लुक है इसकी, बैक साइड से आप देख सकते हैं वाइट कलर का जो है मैंने इसको परचेज किया है। तो रखते हैं फिलहाल इसको भी साइड में और देखते हैं इनबॉक्स कंटेंट्स। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कि ये चार्जर, ईयरफोन्स, डाटा केबल और ये सेम इजेक्टर टूल जो है आपको इसके साथ मिलते हैं। तो इसके साथ मिलता है आपको ये फास्ट चार्जर जिसकी पावर आउटपुट है 15 वोल्ट और USB 2.0 का पोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है, ना कि USB टाइप सी का पोर्ट A70 की तरह। ये देखिए, ये रहा USB 2.0 का पोर्ट और यहाँ पर लिखा गया है अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग और सैमसंग की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। और अगली चीज़ आपको ये देखने मिल जाती है, ये बेसिक से ईयरफोन्स जो कि इनके जो म्यूजिक गुरु म्यूजिक सीरीज है उनके साथ आते हैं, वही वाले जो है ईयरफोन्स इसके साथ भी प्रोवाइड कराए हैं सैमसंग ने। ये देखिए, चीप क्वालिटी के जो है ये ईयरफोन्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो अगली चीज़ आपको देखने मिल जाती है ये USB टाइप सी केबल। ये देखिए, ये रहा टाइप सी कनेक्टर और ये USB 2.0 कनेक्टर। तो लेंथ की अगर बात करें तो ठीक ठाक लेंथ है आपको यहाँ पर मिलती है, ज़्यादा लंबी जो है ये केबल नहीं है। और क्वालिटी तो सेम वही देखने को मिलती है आपको, सैमसंग जो क्वालिटी आती है। और ये है इसका सिम इजेक्टर टूल। तो लास्ट में आपको देखने मिल जाता है एक और ये बॉक्स जिसके अंदर शायद आपको मिलेगा एक TV बैक कवर और वारंटी कार्ड वगैरह, जैसा कि A70 में मिले थे हमें। तो फटाफट ओपन करते हैं और देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको मिलता है कि ये TV बैक कवर जिसकी ठीक ठाक क्वालिटी यहाँ पर लग रही है और ये क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड और रीजनल लॉक गाइड जो है आपको मिलता है इसके साथ। तो चलिए रखते हैं इनको साइड में और देखते हैं हमारे A50 को। तो ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी A50। तो फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है ये। चलिए इस रैप को भी हटा देते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया जो है यहाँ पर रिफ्लेक्टिव स्क्रीन देखने को मिल रही है हमें। तो देखिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स इसके।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है ये 6.4 इंच की सुपर एमोलेड फुल एचडी प्लस डिस्प्ले और ये 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और ये ईयर पीस। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये पावर ऑन एंड ऑफ की और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन। ऊपर आपको दिया गया है एक सेकेंडरी माइक। लेफ्ट साइड में आपको देखने मिल जाती है ये सिम ट्रे जहाँ पर आप लगा सकते हैं दो नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड। तो बॉटम में आपको देखने मिल जाता है ये 3.5 mm जैक और यूएसबी टाइप सी पोर्ट, माइक, स्पीकर, ग्रिल। और बैक साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है ये ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जहाँ पर 25 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा आपको मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का जो है लाई फोकस कैमरा आपको मिलता है विद एलईडी फ्लैश और सैमसंग की ब्रांडिंग। तो चलिए दोस्तों डिवाइस को ऑन करते हैं और सेटअप कर लेता हूँ मैं इसको फटाफट। ओके दोस्तों तो डिवाइस हमारी सेटअप हो चुकी है और सेटअप होती है हमें देखने मिल जाती है फैंटास्टिक सी डिस्प्ले, सुपर एमोलेड फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली जो है डिस्प्ले यहाँ पर दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। और अब चेक कर लेते हैं इसका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉयड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स। और अब चेक कर लेते हैं इसकी स्टोरेज। तो 49.9 GB जो है फ्री मिलती है आपको 64 GB में से और 1.9 GB जो है रैम फ्री मिलती है 4 GB में से। तो चलिए दोस्तों अब इसका कैमरा जो है वो चेक कर लेते हैं। तो कुछ शॉट्स जो है मैंने क्लिक किए थे वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके दोस्तों तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कर दीजिए वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।